जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जैतवार आर्मी व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में ट्रेडमैन, मेट और फायरमैन के लिए वैकेंसियाँ निकली थी उसके लिए दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और दोस्तों एडमिट कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आपको दिखाऊंगा, और क्या कुछ नोटिस आया है AOC के जो डिपार्टमेंट की ओर से वो सारा कुछ आपको पढ़कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम चलते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों यहां पर अभी जो हाल ही फिलहाल में दोस्तों 11 मार्च के दिन जो है आपका एक जारी हुआ है, 11 मार्च के दिन एक नोटिस जारी हुआ है। तो मैं 11 मार्च के दिन का आपको नोटिस पढ़कर दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं 16 नवंबर 12 नवंबर का नोटिस है, तो पिछला मटेरियल असिस्टेंट का नोटिस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं 11 नवंबर का नोटिस और उसके अंतर्गत क्या कुछ आता है देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी जो 11 मार्च के दिन आपका नोटिस आया है वो नोटिस क्या ऑफिशियल है और नहीं है मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये जो 11 मार्च के दिन का नोटिस आया है ये आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के दोस्तों ट्रेडमैन, मेट और फायरमैन के दोस्तों एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ही आया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि अभी कुछ साइट में इशू होने के कारण हम एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर किए जा सकते, यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम सेंटरों के जो है नाम प्रोवाइड किए गए हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जी यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जैसे ही एक दो दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद जैसे ही साइट मेंटेनेंस का काम जो है पूरा हो जाता है, तो साइट मेंटेनेंस का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही जो है हम आपके जो है ईमेल पर या फिर आपको मैसेज के थ्रू आपको सूचित कर देंगे कि किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और क्या आ चुका है ये सब कुछ। यानी दोस्तों आपके मेल पर ही आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपके मेल पर आपको एक आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर एडमिट कार्ड आर डाउनलोड लिंक ऐसा कुछ, और आपके मेल पर भी दोस्तों एडमिट कार्ड की फ़ोटो डायरेक्टली आ जाएंगी। तो दोस्तों जितने भी भाई अभी जो लिंक है 11 मार्च वाली उस पर क्लिक करके परेशान हो रहे होंगे कि हमारा जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है तो मैं उनको बता दूं उनको कोई भी किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है अभी सिर्फ यहाँ पर 11 मार्च के दिन ये नोटिस जारी किया गया है कि आपके एडमिट कार्ड के सेंटर जारी हो चुके हैं, यानी जहाँ पर आपका फिजिकल होगा वो सेंटर जारी हो चुके हैं, बस आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके मेल पर भेज दिया जाएगा 4-5 दिन के साइट इशू जो चल रहा है उसके बाद। तो दोस्तों ये 11 मार्च वाले को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो 11 मार्च वाले को जैसे ही ओपन करके हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक PDF को जैसे ही अपन खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ दिखेगा, सेंटरों के नाम दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटरों के नाम किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, यहाँ दिए हैं आप देख सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स लिखा हुआ है और नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, आपके एडमिट कार्ड दोस्तों जल्द ही 4-5 दिन का साइट इशू जैसे ही सॉल्व हो जाता है वैसे ही आपके एडमिट कार्ड आपके मेल पर भी दिखना चालू हो जाएंगे और यहाँ पर भी दिखना चालू हो जाएंगे। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि डिफेंस रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जय हिंद।